बारिश आ रही है, देख लो पानी की बूंदे, पानी ऊपर से नहीं टपक रहा, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश आ रही है क्या? ओके लेट्स गो। रनिंग करने के लिए आज हमको एक नया एरिया ढूंढ रहे हैं। कहाँ? सीलिंग के पास। सीलिंग पे भागेंगे हम। सीलिंग पे नहीं भागेंगे, उसके पहले भागेंगे। सीलिंग पे तो घुसने भी नहीं देंगे। क्यों? सीलिंग पे गाड़ी चलती है, आदमी भागता है क्या? ना मॉडर्न लव देखा है तुमने? मॉडर्न लव में यही दिखाया उन्होंने, वो सीलिंग पे चली जाती है साइकिल लेकर, फिर उस पे पुलिस केस हो जाता है, लेकिन शी इज वेरी हैप्पी दैट शी कुड डू व्हाट शी वांटेड। पहुंच गए हम? यस। ये कहाँ है? सीलिंग। सीलिंग के पास पर। लेट्स गो। तो फिर लेकिन आज तुम मेरे साथ रनिंग करने कैसे आ गए? मैं तो रोज ही आता हूँ तुमसे अलग। ओह राइट। ये नोज पे क्या लगा हुआ है? वो कुछ नहीं। ओ यार। तुम तो रनिंग करते नहीं हो, तुम तो एकदम फिट एंड फाइन हो। तो सॉरी पेट निकल गया। ये एक महीने में जो तुमने भरा है ना उसका है ये नतीजा। आज हमारी शादी को पूरा एक महीना पूरा हो गया है। नॉट हैप्पी? ओके ओके। क्या वो टॉर्चर है? नहीं, नहीं, नहीं। चलो खुश हो? बहुत खुश हो। बहुत खुश हो। बहुत खुश हो। ओके लेट्स गो एंड रन। चलो जय माता दी। बीबी क्या डियर पार्क आ गए हम? शाहघाट में डियर पार्क होता था दिल्ली के। हाय डॉगी, हाय डॉगी टू। अरे यार बहुत धूप है, इतनी धूप में कैसे रनिंग करेंगे हम? इतना लेट क्यों आते हो तुम? यहाँ तो बहुत धूप है, यहाँ तो हम रनिंग नहीं कर पाएंगे। घर नहीं चल रहे हम, रनिंग करके ही जाएंगे। अगर मैंने वर्कआउट गियर पहना है तो हम रनिंग करके ही जाएंगे। कहाँ? चलो आगे चलते हैं दूसरे जॉगर्स पार्क। यस वहाँ तो धूप नहीं होगी ना? होगी लेकिन एक उसमें एरिया। तो चलो लेट्स गो, यहाँ पर तो बहुत धूप है, यहाँ नहीं कर पाएंगे रनिंग। देखो धूप ही धूप, गर्मी ही गर्मी, लेकिन व्यू बड़ा अच्छा है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। सी उधर जाओ। बस कुछ नहीं करते तुम, यू डू नथिंग, तुम यू आर ओनली लेजी एंड यू डोंट गेट अप ऑन टाइम। तो भाग लिया ऊपर रहना। हो भाग लिए वो, देख फिर मौसम ठीक हो गया। अरे यार जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं मौसम ठीक हो जाता है। अभी अभी दूसरे पार्क में, दूसरे पार्क में हम यही करते रहेंगे, हमारा वर्कआउट यही होगा, एक पार्क से दूसरे पार्क। दैट्स इट, दिस इज वेयर वी आर एट जॉगर्स पार्क। कपिल त्यागी, कपिल त्यागी, कपिल त्यागी, ए कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मतलब रनिंग अभी करी नहीं, वॉशरूम पहले जाना है। किसे? तुम्हें? किसे कर? जॉगर्स पार्क के तो सुंदर है ना, बिल्कुल मेरी तरह। सो नॉट लाइक यू सेल्फ ऑब्सेस्ड। मी? You know now, you are self-obsessed. Self-obsessed like anything. Hmm? कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। Wow, so beautiful. ऐसी रनिंग लोकेशन हो तो मजा ही आ जाए। देखो लड़की भी दौड़ रही है, लड़की है लड़का है जो भी है। हो गया? हो गए हल्के? अरे मैं हल्के होने चले गया। मैं तो गार्ड से मिलने गया था। अच्छा क्यों? तुम्हारा चाचा है वो? कुछ नहीं गया था। चलो दौड़ो। ओके बाय। ओके थ्री, अरे थ्री टू वन गो। डक्स, वाओ, इससे अच्छी रनिंग लोकेशन कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ आपको डक्स मिलते हैं। ओह शिट, लुक एट दैट, डक्स हैं, कौवे हैं, कपिल है और बिल्लियां कुत्ते सब हैं।
हाय चुडूस, आई डोंट थिंक दे लाइक मी। हेलो, वो वहां पर कॉर्नर में वो पत्थर है या कछुए हैं? लेट्स फाइंड आउट। कपिल कहता है कि कछुए हैं और मैं कह रही हूँ पत्थर है। वो पत्थर है, वो पत्थर है। इतने स्टिल कभी कछुए हो ही नहीं सकते। कछुए कछुआ बेबी है। वो पत्थर है, वो या तो पत्थर है या नारियल है, वो कछुए तो नहीं है। कछुआ है, कछुआ नहीं है, पत्थर है। नहीं भाई, ये कछुए नहीं है। अभी क्या कसरत क्या करोगे? जंपिंग जैक, लेट्स डू इट। चलो शुरू करो। दोनों करेंगे ना, शुरू करो मतलब। चलो चलो, मैं भी कर रही हूँ। वाट लग गई। मैं तो नॉर्मल हूँ, ये तो वार्म अप था मेरे लिए। प्लीज और कुछ करें क्या? वार्म अप तो तुम्हारा था ही, लेकिन इतना वार्म अप अगर तुम रोज कर लो तो तुम फिट हो जाओ। अभी गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा, उसे खींच के ले जाऊंगा इधर से पीछे। खींच के ले जाना, मैं अंदर बैठ जाऊंगी। ठीक है ना? या ओके, मजे आए? या बहुत मजे नहीं आए। ऐसे ही रोज मॉर्निंग होनी चाहिए हमारी, रोज टाइम पे उठ के वार्म अप रनिंग करो, उठते 10 बजे वर्कआउट करो। प्लीज यार, रनिंग करो, वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ, खूब सारा पानी पियो, स्टे हाइड्रेटेड। दैट इज व्हाट लाइफ शुड बी अबाउट। तुम आओगे क्या 6:30? कुछ 5:30 आके तो चले गए। तो बोलेंगे तुम्हें सफाई भी कर देना पार्क की, है ना? आई डोंट माइंड। ओके, सी यू एट होम। फ्रेश नहा नो के और कपल को देखो, अभी भी नहाए नहीं है, वर्कआउट करके। अरे नहाया था ना कल, शर्म नहीं आती? कल तो मैं भी नहाई थी। हाँ तो अभी नहाऊंगा शाम को। छी यार, क्या? अरे यार कुछ ढंग लगाओ ना, है ना? दीदी इनका वजन कम हो जाएगा ना के, है ना? कम नाना चाहिए लाइफ में। ये हमारा ब्रेकफास्ट, इडली एंड वन डोसा। और कपिल के देखो, एक दो तीन डोसा और अंडा भुर्जी। भाई तीन मेरे लिए नहीं है, ये तीन तुम्हारे लिए। तुम भी खाओगी इसमें? मैं, मेरे लिए ये है। नहीं नहीं नहीं, I don't like it। तुम्हारे लिए बन रहा है ना? तुम्हारे लिए। दीदी मेरे लिए इतना क्यों बना रही हो? कपिल तुम अभी तक भी नहीं नहाए हो, तुम्हें शर्म आती है? अरे सेम पूरा दिन निकल गया है। दूसरी टी शर्ट पहनी मेरे पास 10 वाइट टी शर्ट। तुम उन्हें बेवकूफ बना सकते हो, मुझे तो नहीं बना सकते। तुम्हें तो बेवकूफ बनाना सबसे आसान लगता है। तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसे लगता है दिल को, दिल नशा दिल। अभी हम जा रहे हैं दो चार काम करने के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? आज खाना नहीं बनाया दीदी ने, क्योंकि तुमने कहा था मैच देखने जाएंगे और हम नहीं जा रहे। अब तो खाना तुम बनाओगे आज? डाइटिंग, सो यू वांट टू ईट? नहीं, आज खाना कपिल बनाएंगे। क्यों कपिल? अरे मैच है आज, आज मैच तो रोज ही होता है। नहीं आज कुछ चल रहा है क्या? दिल्ली मुंबई जी, आज जो भी टीम। तो हम खाना नहीं खाएंगे मतलब आज? मैं तो नहीं खाऊंगा। तुम नहीं खाओगे? ठीक है, तो फिर मैं खाऊंगी। तो फिर तुम बोलना मत मुझे भी, मेरी प्लेट में मुंह मत मारना। मैं तो कभी ऐसा नहीं करता। ऑलराइट, कभी नहीं यार। एक दिन पतले हो गए ना बिल्कुल, है ना? साढ़े तीन किलोमीटर भागी हूँ, उसके बाद मैंने पूरा वर्कआउट किया है, जो कि वर्कआउट भी मैं इस ब्लॉग में डालने वाली हूँ। के बाद भी तुम्हारे टांगे ऊपर हो गए। प्लीज कपिल, तुमने उस पूरे पार्क के 3.5 राउंड लिए थे, साढ़े तीन, और मैंने 3 राउंड लिए थे, साढ़े तीन। यस, एक पूरा भागा था, फिर आधा भागा था, साढ़े तीन हुए ना तीन, उसके बाद में एक पूरा आधा, 4.5 होते हैं ना।
डेढ़ और तीन कितने होते हैं? चलो ठीक ठीक लगा लो, चार लगा लो, साढ़े चार ठीक ठीक लगा लो, नहीं 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 चार राउंड और मैंने करे तीन राउंड तो ठीक है, प्लीज गुड फॉर चार राउंड मैंने किए, साढ़े चार राउंड तो तुम्हारे साथ। चलो आज साढ़े चार कर दिए, कल कितने करोगे ये बताओ? मैं क्या बोल रहा हूँ, साढ़े चार आज साढ़े चार कर दिए, कल कितने करोगे ये बताओ? अब हो गया ना साढ़े चार, चार दिन का। ये देखो बोला था ना मैंने, एक दिन कर दो उसके बाद एकदम ठस पड़ जाते हो। नहीं 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 सर, तो साढ़े चार तुम्हारे साथ किए थे, उसके बाद में मैं जब तुम आगे बैठ गए थे पेड़ के नीचे, फिर चार बार फिर भागा मैं चार बार, प्लीज तो साढ़े आठ हो गए। कल का कल देखेंगे। प्यार भरे जज्बातां नूं समझ न पाए क्यों तू मेरे प्यार बाबा अखियां विच लंघियां बरसातां नूं। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार सुटिया। अब हमारे घर में चलने वाला है क्रिकेट मैच और ये हम खा रहे हैं भेलपुरी और शक्कर पारे विद चाय एंड कॉफी। आ जाओ। यस कम इन। व्यू देख के नहीं पीना तुमको कॉफी? नहीं नहीं व्यू पहले मैच देखता हूँ, व्यू कल देखेंगे। अच्छा व्यू कल देखोगे? यस। हाँ व्यू कहाँ जा रहे हैं ना? व्यू चल। यस समझ नहीं आ रहा था कि मैं डिनर में क्या बनाऊँ, तो मैंने अपना फ्रिज खोला और देखा कि क्या क्या सब्जियां अंदर पड़ी हुई हैं और इन सबसे मिलाकर मैं क्या क्या बना सकती हूँ। तो सब्जियां मेरे पास पड़ी थी मशरूम, कैरेट, बेल पेपर्स और अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। तो इन सबको मिला के आपको क्या लगता है मैं क्या बना रही हूँ? एनी गेसेस? एनी गेसेस? अभी मैंने सारी सब्जियां इसमें मिक्स कर दी और मैं सॉटे कर रही हूँ। अब तक तो समझ ही गए होगी मैं क्या बना रही हूँ। नहीं अरे यार अब तो समझ ही गए होगे। समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं बता देती हूँ मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, बिकॉज मेरे पास बनाने के लिए और कुछ भी नहीं था। सो अब मैं इसमें डालूंगी आप पुट सम सॉस इन इट। लेकिन जो वैन वाले चाइनीज बनाते हैं ना दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों में, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आई होप मैं उतना अच्छा तो बना ही पाऊँ या उसके थोड़ा बहुत करीब भी हो रहा हूँ, तो आई बी वेरी हैप्पी विद इट। चलो मैं बनाती हूँ और बताती हूँ आपको कैसे बनता है मेरा फ्राइड राइस। फाइनली ये तैयार हो गया है मेरा वेज फ्राइड राइस। ये खाने में कैसा होगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, कपिल को देंगे और तब पता करेंगे कैसा टेस्ट कर रहा है। खाना बना रही होती है ना मुफू यहाँ आके नीचे बैठ जाती है एज इफ इसको कुछ खाना मिलने वाला है। मुफू तुम्हें तो डिनर मिल गया है, अब तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मुफू कुछ बोलते क्यों नहीं? दिल्ली ओहो मिस प्रिंसेस खाने को अच्छी प्लेट में रखो ना तो खाना अपने आप टेस्टी लगता है, चाहे वो खाने में जैसा भी हो। तो कभी भी आपको खाना में एक्सपेरिमेंट करना हो तो हमेशा उसको अच्छी प्लेट में रखना ताकि खाने वाले को देख के ही मज़ा आ जाए खाना। सर जी, सर जी डिनर इज रेडी।
You'll be happy with what you get, right? Yeah, it's good. I like it. कितना मस्त बनाया तुमने। तो खाकर बताओ कैसा है? खाकर बहुत सही है। कपिल, ओवर एक्टिंग की 50 रुपए काटूं कि नहीं काटूं? बताओ। बोल नहीं सकता। वेरी गुड, जो है वो यही है, खाओ। इट्स ऑल ब्यूटीफुल लुकिंग, सो मेनी वेजिटेबल्स एंड सो न्यूट्रिशियस। इसके बाद हम भी खाना है। ओह यस, डन फॉर द डे। अब बस मैं सोने जाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।